बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेके हाजिर खिदमत हूँ। तो आज आपको बताऊंगा जी जेड फोल्ड 3 का मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और इसका थोड़ा सा रिव्यू आपको दूंगा कि इसकी कैमरा क्वालिटी कैसी है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी कैसी है। वो मैंने आपको अनबॉक्सिंग दिखाई थी प्रीवियस वीडियो में, सॉरी। ठीक है, तो उम्मीद आपको वो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ कमेंट दें, मैं आपका कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने आपको पता है, जब मैंने फ़ोन लिया इसकी अनबॉक्सिंग की, फ़ोन नो डाउट आउट क्लास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सैमसंग ने बहुत अच्छी स्क्रीन लाई है। जो लोग डर रहे हैं कि जी इसकी जो ये स्क्रीन है, जो आप जब इसको ओपन करते हैं, जो इसकी फ़्लिप स्क्रीन है, सॉरी फोल्ड स्क्रीन है, वो बड़े केयर के साथ यूज़ करते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है। ये देखें, आपके सामने मैं इसको फ़ोल्ड करूँगा और कोई ऐसा मसला नहीं है इसके साथ, और बड़ा ही सॉलिड और काफ़ी मज़बूत सेट है। और मैंने इसको यूज़ किया, मेरा तो बहुत अच्छा इसके साथ एक्सपीरियंस रहा है। तो आप भी इसको ज़रूर बाय करें। इसका जो साउंड का जो एक्सपीरियंस है, इसका साउंड आउट क्लास है। इसका साउंड जो है वो इसमें बेस है और बहुत आउट क्लास साउंड है, बहुत क्लियर और बहुत लाउड है। आपको इस अगर आप ये बाय कर रहे हैं फोल्ड जेड फोल्ड 3, तो आप को ब्लूटूथ स्पीकर लेने की ज़रूरत नहीं अपने कमरे में, या आप अगर यूज़ करना चाह रहे हैं तो इतने अच्छे इसके जो बैक साइड पे जो स्पीकर हैं उनका लाउडनेस है, लाउड है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छी बेस है। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं इसके कैमरों की बात करता हूँ। कैमरे में आपको दिखा भी देता हूँ। आप ये देखें, इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी आउट क्लास है, और जो इसका बैक कैमरा है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी। और इसका जो सेकंड सॉरी फर्स्ट कैमरा है, उसकी जो इसका जो बिल्कुल आप यानी कि जूम है, इसका आउट क्लास है। ठीक है जी, बिल्कुल आप पीछे भी नहीं जा सकते हैं। और इसका जो तीसरा कैमरा है वो भी आउट क्लास है। आप ये देखें, इसका व्यू चेक करें, कैमरे बहुत आउट क्लास हैं। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इसके साथ, और मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा, आप ज़रूर इसको बाय करें। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, आप इसको ज़रूर बाय करें और इन्जॉय करेंगे। और बहुत सॉलिड जो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है सैमसंग ने की है, नो डाउट। और मुझे कुछ ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि अब आने वाले जो नए मॉडल्स होंगे, जिसमें एप्पल की कंपनी जो है वो भी सैमसंग की ही जो है ना, उसकी यानी कि उसके ही मुकाबले में जो फोल्ड वाला जो आईफोन है वो निकालेगी, मुतारफ कराएगी। तो इस वक्त एप्पल तो इस वक्त अभी यानी कि इसके बारे में सोच रही है, मगर सैमसंग ने अपना फ्यूचर सेट जो है जेड फोल्ड 3, 2 और अब 2 के अंदर जो भी छोटी मोटे जो फॉल्ट थे उसको ख़त्म करके 3 को इसमें एनहेंसमेंट की है, ज़्यादा इसमें चीज़ें डाली हैं, ज़्यादा इसमें 5G डाल दी है, इसमें कैमरे अच्छे डाल दिए हैं, और जो ये स्क्रीन है इसकी और जो इसकी टेक्नोलॉजी है इसको चेंज किया है। वो इस स्क्रीन को काफ़ी ज़्यादा इन्होंने सॉलिड बनाया है, कोई ऐसा मसला नहीं है। बल थोड़ी सी केयर तो होती है, क्योंकि ये फोल्ड है तो थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी, मगर ज़्यादा नहीं आपको करनी पड़ेगी। बहुत सॉलिड सेट है, आप इसको ज़रूर बाय करें, और इसको बाय करें और इसके साथ अपना जो है वो आप देखें ना, आप इसको आप एज आ फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको फ़ोन भी यूज़ कर सकते हैं एज आ, और उसके बाद आप इसको एज आ आप टैब भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत आउट क्लास है, आप इसको ज़रूर यूज़ इस्तेमाल करें और लें, इसको बाय करें। जितने भी रूमर्स हैं, वो पहले मैं भी इस चीज़ में था कि इसको बाय करना चाहिए कि नहीं, मगर मैंने बाय किया है। ठीक है जी, तो आप भी इसको बाय करें और नई टेक्नोलॉजी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा। तो उम्मीद आपको ये मेरी छोटा सा रिव्यू की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल न्यू अराइवल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को एंड तक देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको इंशाल्लाह चला अच्छी अनबॉक्सिंग और रिप्रेजेंटेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। तो मुझे दे इजाज़त, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखता हूँ, आप भी मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।